तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि सैमसंग की ए सीरीज़ और एम सीरीज़ के स्मार्टफोन इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर रहे इस 2020 में। और 2020 में दोस्तों हमें सैमसंग की तरफ से एक एफ सीरीज़ का भी स्मार्टफोन देखने के लिए मिला था, जो कि था सैमसंग गैलेक्सी F41। इसमें काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन हमें देखने के लिए मिले थे सैमसंग की तरफ से, साथ ही यहाँ पर जो प्राइस थी वो भी सैमसंग ने इस स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी रखी थी। और अब दोस्तों एक ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि सैमसंग जो है बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर अपना एफ सीरीज़ का दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F12। इसके बारे में आज हम दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलेंगे इस स्मार्टफोन में, साथ ही इसकी लॉन्च डेट और क्या प्राइस हमें देखने के लिए मिल सकती है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों सभी डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ ऐसा लुक और डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा इस सैमसंग गैलेक्सी F12 का। वही सेम पॉलीकार्बोनेट मटेरियल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस स्मार्टफोन में भी। वहीं अदर स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 6.55 इंच की एक HD+ LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर LCD डिस्प्ले है जो कि आएगी 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। वहीं कैमरे सेक्शन की बात करें तो दोस्तों बैक साइड में आपको इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल का। वहीं जो सेकेंडरी कैमरा है दोस्तों वो है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और बाकी जो दो कैमरे हैं दोस्तों वो है 2-2 मेगापिक्सल के, एक है डेप्थ सेंसर, दूसरा है मैक्रो लेंस। वहीं फ्रंट में आपको दोस्तों इसमें 8 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नोच के साथ में यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि आएगी 15W के फास्ट चार्जिंग के साथ में। वहीं प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक्सिनोस 850 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि बेस्ड है 8 नैनोमीटर पर, और काफ़ी ठीक ठाक प्रोसेसर है। यहाँ पर गेमिंग वगैरह भी आप जो है इस स्मार्टफोन के साथ में कर पाओगे। वहीं सिक्योरिटी के लिए दोस्तों इसमें आपको जो है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, साथ ही आपको जो है फेस अनलॉक का भी ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन आएगा एंड्रॉयड 11 के साथ में, जो कि बेस्ड होगा सैमसंग के One UI 3 पर। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों इसका जो 20 वेरिएंट होने वाला है इसकी प्राइस हमें 13,000 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। वहीं इसका जो लॉन्च डेट है दोस्तों वो हमें जनवरी के 2nd या 3rd वीक में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी देखते हैं दोस्तों जब इसे सैमसंग इस स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर लॉन्च करता है तब इसकी क्या प्राइस रखता है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें और इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलते हैं। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, बताना जरूर मुझे नीचे कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम दोस्तों किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।